सलाकम एंड वेलकम टू सियासत मना है पाक भारत ताल्लत साख समिट सत्तरवीं साख समिट इस वक्त मालदीव में जारी है और पाकिस्तान और इंडिया एक रिलेशनशिप बनाने की शुरुआत की कोशिश कर रहे हैं जिस रिलेशनशिप को तारीख में जब भी शुरू किया गया है तो उसके अंदर हमेशा रुकावटें या तो आई हैं या फिर अनएक्सपेक्टेड डिज़ास्टर्स ने उसे रोक दिया रोक दिया है पाकिस्तान ने मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस इंडिया को देने की कोशिश की है ये इसके बाद इस्टेबलिशमेंट का रिएक्शन कैसा है क्या नहीं है आइंदा आने वाले दिनों में दहशतगर्दी के हवाले से क्या होने वाला है ट्रेड के हवाले से क्या होने वाला है ये तो वक्त ही बताएगा लेकिन पाकिस्तान और इंडिया की रिलेशनशिप के हवाले से आज बात करने की हम कोशिश करेंगे कि ये ये एक हमारे लिए पाकिस्तान के लिए ये एक मुल्क नहीं है ये एक मकार दुश्मन है एक राइवल है जिसे चाहे आप क्रिकेट के मैदान में मिलें चाहे आप मुरतारा की टेबल पे मिलें चाहे आपका कहीं भी आमना सामना हो जाए एक जंग का समा होता है पाकिस्तान को जब आप क्रिकेट में सपोर्ट अगर करते हैं तो पाकिस्तानी शायक बैनर्स भी उठाए दिखे हैं कि हम दो टीमों को सपोर्ट करते हैं एक पाकिस्तान और एक वो जो भी टीम जो इंडिया के मद्दे मुकाबल हो हमारी पाकिस्तान इंडिया की रिलेशनशिप इस हद तक तलख है कि पाकिस्तान ने अपनी तारीख फिर से लिखी फिर एक और दफ़ा रिवाइज़ करी हर जंग के बाद रिवाइज़ करी ताकि तारीख़ कहीं ये ना कह दे कि ये भारत जो है ये इंसानों का मुल्क है हमने डीमनाइज़ उन्हें किया उन्होंने डीमनाइज़ हमें किया असलियत से हम दूर चले गए और हिस्ट्री जिसको हमने भी कत्ल किया उन्होंने भी शायद कत्ल करने की कोशिश की हो मैंने उनका करिकुलम तो नहीं पढ़ा है लेकिन हमने तकरीबन टोटली हिस्ट्री को इस तरह कत्ल कर दिया कि अब पाकिस्तान इंडिया से जब से अलग हुआ है जब से खुदा का जो मुल्क है वो हम हैं और शैतान का मुल्क इंडिया पाकिस्तान और इंडिया की रिलेशनशिप्स पाकिस्तान और इंडिया की जो जो आप डिप्लोमेटिक जब आप रिलेशनशिप बनाते हैं पाकिस्तानी होने की हैसियत से एक पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेटिव होने की हैसियत से तो आपको क्या सोच रहे होते हैं आप आप क्या समझ के सामने लेके जाते हैं और इस्टेबलिशमेंट जो हमारी है जिसकी नज़र में इंडिया मकार दुश्मन है जिसकी नज़र में फ़ौज का बजट का सर्वाइवल ही इंडिया से जंग और दुश्मनी में है उसके बाद उसका क्या ख्याल होते हैं और हमारे डिप्लोमेटिक स्कूल में डिप्लोमेटिक डिस्कोर्स में इंडिया को किस तरह देखा जाता है जिसको हम एक स्पेशल स्टेटस तो देते हैं एक स्पेशल दुश्मन का स्टेटस हमारे इसके ऊपर हम आज बात करने की कोशिश करेंगे हमारे मेहमान है नजमुद्दीन शेख साहब सबिक फ़ॉन सेक्रेटरी फॉर पाकिस्तान थैंक यू वेरी मच और जॉइनिंग सर शेख साहब क्या ये कि मैं सही कह रहा हूँ कि अगर एक फॉरेन सेक्रेटरी के लिए जो एपेक्स होती है पाकिस्तान की तरफ से जो उसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है वो इंडिया के साथ गुफ्तु या इंडिया के साथ रिलेशनशिप होती है देखिए पाकिस्तान के लिए हिंदुस्तान न सिर्फ़ पड़ोसी है बहुत बड़ा पड़ोसी है जिसके साथ हमारे तलख रिश्ते रह चुके हैं मैं आपके साथ पूरी तरह से इतफाक़ भी करूँगा जब आप कहते हैं कि हमने उनको दुश्मन बनाया क्योंकि कुछ चीज़ें तारीख़ में इस नौत की हुई हैं जिसकी वजह से ये दुश्मनी का आ, समा सा पैदा हुआ है लेकिन वो समा अब मुझे दूर होता हुआ नज़र आ रहा है और दूर होने की वजूहत ये हैं कि पाकिस्तान जब भी बात करता है कि हमारी जियोस्ट्रटिजिक सिचुएशन है हम बहुत एक वाइटल ख़ते में हैं और हम इसका इस वैल्यूबल जियो स्ट्रेटिक लोकेशन का पूरा फ़ायदा उठाएंगे तो उस फ़ायदा उठाने का एक सबसे अहम पहलू ये है कि हम एक ट्रांज़िट कंट्री बने कि हम जिस किस्म की कनेक्शंस कर सकते हैं सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के दरमियान या वेस्ट एशिया और साउथ uh, एशिया के दरमियान उसका लॉजिकल कनेक्शन यह है कि हिंदुस्तान दूसरी तरफ होगा तो अब अगर इस किस्म की इस किस्म की हमारे पास एहसास पैदा होने लगा है और उसके साथ साथ हिंदुस्तान में ये एहसास पैदा होने लगा है कि पाकिस्तान के वजूद को अब छेड़ा नहीं जा सकता और पाकिस्तान के वजूद को छेड़ा नहीं जा सकता तो अगर पाकिस्तान के साथ एक, एक सही रिश्ता नहीं कायम होगा तो हिंदुस्तान जो अपने लिए अपनी पोजीशन अक्वायर uh, करना चाहता है रीजनली और ग्लोबली वो उनके ग्रास में नहीं रहेगी वो उनके उनके पहुंच से बाहर रहेगी तो इस ख़ते के लिए और आ, पाकिस्तान हिंदुस्तान दोनों के लिए ये अहम अब ज़रूरत बन गई है कि ये अपना रिश्ता सही रखें और उस रिश्ते को उन पहलुओं में बढ़ाएं जिससे सारे के खत्े का फ़ायदा हो सकता है अब आप ये सोचिए कि अगर हिंदुस्तान में एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स मीट कर होनी है और हमारी भी रिक्वायरमेंट्स मीट होनी है तो हमें सेंट्रल एशिया की गैस रिज़र्व्स पे और ताजिकिस्तान की हाइड्रल पार रिज़र्वस पर एक हद तक डिपेंड करना पड़ेगा और उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम न सिर्फ अपने लिए लेकिन हिंदुस्तान के लिए एक ट्रांज़िट रूट बने और जब हम कहते हैं कि हम तापी के लिए तैयार हैं यानी तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन के लिए तैयार हैं या हम ईरान पाकिस्तान इंडिया की पाइपलाइन के लिए तैयार हैं तो उसका लॉजिकल कंक्लूजन ये है कि बाकी जो जो ओवरलैंड रूट्स हैं उनको खोलने के लिए भी हमें तैयार होना चाहिए क्योंकि उन ओवरलैंड रूट्स में से जिस किस्म का फ़ायदा आप ट्रांज़िट कंट्री के हैसियत से अख, आ, ले सकते हैं उन उनको हमने अभी तक आ, बिल्कुल आ, एक तरफ रख दिया है और उस पर जितना फोकस करना चाहिए था उतना फोकस नहीं किया है मैं इस ज़मन में आपसे सिर्फ ये याद दिलाने की कोशिश करूँगा कि उन्नीस सौ तिहत्तर चौहत्तर में जब तेल की कीमतें बढ़ी थीं और इराक और ईरान में खलीज के जो भी पॉट्स थे वो सब जहाज़ों से भरे हुए थे और जहाज़ को तीन तीन महीने इंतज़ार करना पड़ता था आ, बर्थ के लिए तो उस वक्त उन्होंने ओवरलैंड रूट बढ़ाया था अपना यूरोप से चीज़ें वो बजर ट्रक्स मंगवाना चाहते थे तो तुर्की ने कहा ज़रूर मंगवाइए तुर्की ने कहा कि हम आप हमारे रास्ते इस्तेमाल करेंगे तो आप हमारे हर ट्रक के लिए आप 1200 डॉलर हमें दीजिएगा क्योंकि नहीं तो हम अपने रास्तों को मेंटेन नहीं कर सकेंगे और उसमें से जितना तुर्की को फ़ायदा हुआ और जितना तुर्की ने अपनिया ट्रेड इन ममालिक से बढ़ाया आ, उसको हमें मद्देनजर रखना चाहिए तो हमें पता चले कि ट्रांजिट कंट्री होने के फ़वाद क्या हो सकते हैं दूसरा मिसाल मैं आपको दे दूं कि इराक़ ने जब तेल भेजता था मेडिट्रेन के थ्रू भेजने की कोशिश करता था तो वो बनियास सीरिया में जो पोर्ट था उसके ज़रिए भेजता था जब कीमत तेल की 12 डॉलर थी तो दो डॉलर सवा दो डॉलर या दो डॉलर पर बैरल वो सीरिया को देता था ट्रांज़िट चार्जेस के हिसाब से ये चीज़ें हैं जिन पे हमें ज़रा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा क्योंकि इसके बगैर आपकी जियो स्ट्रेटजिक लोकेशन का फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता तो आ, इस फ़ायदा उठाने के लिए आ, हमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान का रिश्ता जो है उस नज़र से देखना पड़ेगा एक और बात आपने कही थी कि जब क्रिकेट मैच देखने जाते हैं लोग तो या अगर क्रिकेट हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान है फिर तो वाजे है कि पाकिस्तान का झंडा लहराता है लेकिन अगर हिंदुस्तान किसी और टीम के खिलाफ खेला जाए खेल रहा है तो फिर जो भी और टीम होगी उसका उसका झंडा लहराएंगे पाकिस्तानी क्योंकि हिंदुस्तान दुश्मन है ये मुझे लगता है कि हकीकत से शायद दूर है क्योंकि बाहर देखा गया है कि साउथ एशिया की एक अहम जो कॉमनेल्टीज़ हैं वो ज़रा ज़्यादा प्रवेल करती हैं और बहुत सी जगहों पे ये देखा गया है कि अगर पाकिस्तान खेल रहा है इंग्लैंड के खिलाफ या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो हिंदुस्तानी पाकिस्तानी टीम के की हिमायत करेंगे और आ, कुछ हद हाँ तक अगर इसी हद हाँ तक नहीं तो आ, कुछ हद हाँ तक पाकिस्तानी जब हिंदुस्तान इंग्लैंड के साथ खेल रहा है या ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रहा है तो उनकी हिमायत करेंगे ये हमारी हमारा रिश्ता जो है उसको मैं लव हेट रिलेशनशिप कहता हूँ क्योंकि उसमें ज़बान की वजह से कोशिश ये होती है कि हम एक दूसरे से रबता बढ़ाएँ और उसके साथ साथ ये होता है कि आपने हमारे साथ बांग्लादेश किया आप अभी भी शायद बलूचिस्तान में कुछ कर रहे हैं और आप कश्मीर पे अभी आ, धावा बोले बैठे हैं साथ, ले साथ, है कि साथ है। बांग्लादेश किया हमने अपने साथ बांग्लादेश किया और इंडिया ने फ़ायदा उठा लिया मौके का या सिचुएशन का जी देखिए देखिए इस किस्म की चीज़ जो जो अंदरूनी चीज़ होती है वो उसमें कसूरवार आपके अंदरूनी सियासत ज़्यादा होती है बनस्पत और किसी चीज़ के लेकिन अगर कोई उसका फ़ायदा उठाता है तो फिर उसको आप दुश्मनी करार देंगे ये 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 इसमें कोई शक नहीं है कि कसूर हमारा था कसूर हमारे अपनी अंदरूनी सियासत की की फेलियर्स का था लेकिन अगर कोई और मुल्क उसका फ़ायदा उठाएगा तो उन उसको आप आप माफ़ करने में आपको दिक्कत होगी क्योंकि कोई मुल्क अपने आप को कसूरवार ठहराने के अलावा ज़रूर देखता है कि किसी और पे हम कसूर डाल सकते हैं नहीं या नहीं। एक आ, इस सेगमेंट के ख़त्म होने में कोई दो मिनट हैं आप नाइन्टी से 97 तक फॉरेन सेक्रेटरी फॉर पाकिस्तान थे उसके थोड़े दिनों बाद ही कारगिल के अंदर हमने एक एक जंग लड़ने की कोशिश की मुशरफ साहब ने बकौल नवाज शरीफ साहब के नवाज शरीफ साहब को पता ही नहीं था कि वो जंग हो रही है एक इस्टलिश ऑर्डर ने फाइनल प्रॉड लिया कारगिल की तरफ सर उससे पहले जो आपके तीन साल थे उसके अंदर आ, किस तरह की रिलेशनशिप थी किस तरह से आ, आप किस तरह से अगर कोई कम्युनिकेशन होती थी तो किस तरह से की जाती थी देखिए उस ज़माने में तो ये था ना कि हमने आ, मैं फॉरेन सेक्रेटरी बना उससे तीन महीने पहले चार महीने पहले बातचीत हुई थी और उस बातचीत में कोई पेशरफ नहीं हुई ज़रा इनफैक्ट रेट्रोगेट स्टेप लिए गए और उसके बाद फैसला पाकिस्तान में ये हुआ कि जब तक के कश्मीर पे हम कोई पेशरफ़ नहीं देखते तब तक तब तक हम और किसी चीज़ पे बात करने को तैयार नहीं है तो ये तीन साल मेरे जो थे वो एक हद तक आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के रिश्ते में बिल्कुल बैरन थे बिल्कुल उसमें उस अरसे में कोई चीज़ नहीं हुई ऑफिशियल लेवल पे इनफॉर्मली हमने कुछ बातचीतें की उस बातचीत के नतीजे में मेरे काउंटर पार्ट हमेशा कहते रहते हैं कि साहब आपने जो सजेशन्स दी थी उस बिना पे हमने उन्नीस सौ सतानवे में आपके साथ फिर से डायलॉग रिज़्यूम करने का के लिए जो प्रपोज़ल बनाई थी वो हमारी जो इनफॉर्मल बातचीत हुई थी उसकी वजह से हुई थी लेकिन ये 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 कहने की बातें होती हैं मैं जो जो बात कह रहा हूँ वो ये कि उन तीन सालों में हमने एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं की और बात नहीं की क्योंकि हम कहते थे कि जब तक कि कश्मीर पर पे पेश रफ नहीं होगी हम दूसरी चीज़ नहीं कर सकते लेकिन जब आप कहते हैं कि हिंदुस्तान के साथ हमने एक दुश्मनी का का रवैया अख्तियार किया है उसकी भी कुछ वजूहत हैं क्योंकि उन्होंने सतानवे में ये कहा कि साहब आप छोटी छोटे मामले जो हैं उनका अगर हल ढूँढ लें तो फिर एक माहौल पैदा होगा जिसमें हम बड़ी चीज़ें कर सकेंगे और मैं इसका हामी था मैंने कहा कि हमें ये छोटी चीज़ों पे बातचीत करके आगे बढ़ना चाहिए और आगे बढ़ने का यही तरीका है कि अगर सियाचिन है सरख्रीक है पीपल टू तो पीपल एक्सचेंजेस हैं वीज़ा पे कुछ सहूलतें हैं ये अगर हम करेंगे तो एक माहौल पैदा हो गया जिसमें हम कश्मीर पे भी बातचीत ठोस बातचीत करके स़ी, नतीजे पे पहुंचेंगे सर शेख साहब एक ब्रेक लेंगे सर ब्रेक के बाद हम ये पाकिस्तानी इस्टेबलिशमेंट जिसको कहा जा सकता है हालांकि इस पर किताबें लिखी गई हैं कि ये है क्या चीज़ इसके अंदर जो आप शामिल करते हैं तो किस किस को शामिल करते हैं सिर्फ फ़ौजी जर्नैलों को शामिल करते हैं या नजमुद्दीन शेख साहब जैसे ब्यूरोट्स को शामिल करते हैं या सियासत के जो सीनियर स्टेटस को प्लेयर्स हैं उनको भी शामिल करते हैं लेकिन एक स्टैब्लिश ऑर्डर है पाकिस्तान में जिसको हमारी आज की लिखी हुई तारीख पसंद है जिसको हमारे आज का सिलेबस पसंद है जिसको हमारे आज के इमरान खान पसंद है जिनके ख्याल में भारत के साथ रिलेशनशिप जो है वो किसी एक नुक्ते पे अटक जानी चाहिए वो नुक्ता कश्मीर है या फिर और भी नुक्ते हैं जिनसे वो समझते हैं कि ये रिलेशनशिप वायबल नहीं है क्योंकि पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस ही एक डिवीजन के बेसिस पर आई थी हम इस्टेब्लिश ऑर्डर के ख्याल के हवाले से बात करने की कोशिश करेंगे एक ब्रेक के बाद नजरुद्दीन शेख साहब हमारे मेहमान की पहुँचें